हेलो फ्रेंड, तो आज हम टाटा नेक्सॉन सेकेंड बेस्ट मॉडल जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। टॉप मॉडल का भी वीडियो हमारे चैनल पे है, तो दोनों में डिफरेंस भी आखिर हम बताएंगे कि इसमें क्या दिया है और टॉप में क्या दिया है, इसका प्राइस क्या है और उसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे से व्यू देखते हैं, ये सब एसेसरीज जो आप दिख रहे हैं, लाइट मारा बाहर से लगाया गया है, बाहर से कंपनी इसका देख सकते हैं। फॉग लैम्प का शेप दिया, लेकिन यहाँ पे फॉग लैम्प आपका इसमें नहीं दिया, टॉप में दिया। आगे का ग्रिल सिंपल दिया, उसका थोड़ा और लुक दिया है टॉप का, थोड़ा सा ऐसे लाइए कैमरा और देख सकते हैं कि सिर्फ ये नहीं मिलता, बाकी देख सकते हैं इधर का जो व्यू है सब सेम ही है लगभग। यही ग्रिल आपको उसमें भी मिल जाता है, राइट साइड का व्यू। और टायर का बात करें तो टायर उसमें भी जो है 16 इंच का ही मिलता है टायर, किसी में जैसे स्कॉर्पियो लो मॉडल है या फिर हाई मॉडल, टायर सब में सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी सब में लगभग सेम होता है, नेक्सॉन का टॉप मॉडल भी है तो उसमें भी लगभग सेम ही है। तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ से देखेंगे, ये सब जितना भी आप लाइट का क्रोम देख रहे हैं ये सब बाहर से लगाया गया, कोई कंपनी से नहीं मिला, ये सब भी बाहर से लगाया गया है ना, कोई कंपनी से नहीं मिला। ये देख रहे हैं ये डोर वाइजर भी बाहर से लगाया गया है ना, कंपनी आपको नहीं देती है। ये बेस्ट मॉडल सेकेंड है, याद रखिए। और बुक की बात करें तो वो यहाँ से अंदर से दिया है इसका खोलने के लिए, बाकी की में एक बटन है प्रेस करे रहिएगा तो इसका आपका खुल जाएगा। देन आपका ये सब सेम है, और फ्यूल के इसका लेफ्ट साइड का अंदर से खोलने के लिए दिया है जो कि हम आपको दिखाएंगे। अभी इसको पहले पैसेंजर गेट को खोलते हैं तो देख सकते हैं इधर म्यूजिक दिया है आपका, पावर विंडोज़ के लिए दिया, हर एक डोर में दिया है पावर के लिए, और ये आपका गेट का लॉक अनलॉक के लिए। और बात करें यहाँ स्पेस का तो देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस है, अगर हम यहाँ कर लेते हैं तो आराम से देख सकते हैं, अगर हम इसको स्लिप करना चाहें तो स्लिप भी कर सकते हैं, एकदम कंफर्टेबल है। अगर स्पेस की बात करें तो स्कॉर्पियो से आपको कम नहीं लगेगा, स्कॉर्पियो इतना आपको फील मिल जाएगा स्पेस, एकदम आराम से बैठ सकते हैं ये आपको। और इधर से आपका हाथ रखने के लिए ये आपको मिल जाता है, देन यहाँ पे आपको पूरा स्पेस मिल जाता है। देन हम पीछे आपको हम दिखाते हैं कि आप अगर पीछे बैठते हैं तो आप क्या मज़ा ले पाते हैं। देखिए स्पेस की बात करें, कुछ सामान लगा हुआ क्योंकि अभी न्यू गाड़ी है, ये आपको मिल जाता है, डोर हैंडल मिल जाता है, देन आपको विंडोज़ कंट्रोल, देन यहाँ भी म्यूज़िक आपको मिल जाता है। और पीछे की बात करें तो चार लोग यहाँ पे कंफर्ट में बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फुट पीछे अगर बैठ कर देखते हैं है ना तो आराम से कम्फर्ट जोन में हम बैठ सकते हैं। ये कुछ अगर टाटा का ही बात करें तो इसका जो है ज़्यादा हाइट देता है, बाकी सब गाड़ी में नीचे होता है, पैर आपको दर्द करेगा, लेकिन इसमें आप कितनों 200-500 किलोमीटर ट्रैवल करिए कोई दर्द नहीं है। अब हम ड्राइविंग सीट पर जाकर दिखाएंगे और थोड़ा फंक्शन दिखाएंगे इसका। तो ड्राइविंग सीट पर आइएगा जल्दी से, आगे का व्यू ये रहा, वाइपर आपका दो रहा, और फिर देख सकते हैं इसमें की भी दिया है और कीलेस भी दिया है ना, रिमोट में भी दिया चाबी वो बेस्ट मॉडल में। और इसका प्राइस भी बात करेंगे, बेस्ट मॉडल में सिर्फ की देता है जी। अब बात करें तो आपको टॉप मॉडल में यहाँ पे बटन मिलता है, इसमें जो है आपको यहाँ देता है कुछ का, ठीक है, नहीं नहीं मिलता है सोन का उधर ही मिलता है। अच्छा कुछ का यहाँ भी देखे हैं, एक बेस्ट मॉडल शायद, उससे कोई अंतर नहीं कि यहाँ दे यहाँ दे, है ना, बात सेम है ना। सुजुकी का तो सबका ही देता है, वो हम देखते हैं। आइए देखिए, आपका चाबी मिल जाता है लोगों की तरह, और एक आपको लॉक है लाइट का है ना, अनलॉक है, बूट ओपन होता है लाइट से। अब ये देखिए चाबी आपका है, चाबी को आप डालते हैं, ध्यान आपके पास ये एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे मिल जाता है, इतना अच्छा स्पेस मिल जाता है, एकदम घर की तरह, सोफा की तरह। और ये हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है एकदम कंफर्टेबल जोन में, है ना। और ये आपका गियर लीवर मिल जाता है, गियर स्टिक, इको सिस्टम, स्पोर्ट और सिटी सिस्टम, इस पर भी वीडियो है हमारे। ये डिक्की का आपका मिल जाता है। और ये बात करें, इतना खूबसूरत आप स्क्रीन इस गाड़ी में देख रहे हैं तो ये बाहर से लगाया जा रहा, 30,000 के आसपास बाहर से इसको लगाया गया है ना। ये आपको जो बेस्ट सेकेंड में मिलता है ये म्यूज़िक वाला मिलता है, ऐसे और ऐसे मिलता है, यहाँ पर छोटा सा रहता है, इसको हटा दिया है ना, यहाँ पर ही रहता है, अंदर रहता, हाँ बिल्कुल अंदर रहता है, इसको हटा करके यहाँ पे क्या लग गया है, स्क्रीन लग गया, लगभग 30,000 खर्चा आया उसमें। और बात करें स्टेयरिंग में, कोई कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, क्रूज वगैरह प्लस माइनस म्यूजिक कंट्रोल कुछ नहीं, चाबी सिर्फ मिल जाता है। अब चाबी ऑन करते हैं फ्रंट, है ना, पहले हम एसी को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है,
जैसे कि थोड़ा गेट लगा करके देखते हैं, इस तरीके से आपको पूरा डिजिटल मिल जाता है। और ये हम आपको ऐसी सिटी अभी चल रहा है ना, तो सिटी मोड में है हमारा गाड़ी, देख सकते हैं अभी सिटी अभी शो कर रहा है। ये आपका डोर खुला तो डोर मतलब मैसेज आपको दे रहा है, फ्यूल का दे रहा है, लाइट का दे रहा है ना। ये लाइट हम जैसे कि अभी ये लाइट का दे रहा है, यहाँ लाइट का ऊपर दे रहा है, और ये सारा चीज़ दे रहा है आपका, देख सकते हैं। ये अभी एक्सेलेरेटर का दे रहा है ना, ये हॉट कूलिंग का दे रहा है, फ्यूल दे रहा है, इंडिकेटर सारा चीज़ तो सब सेमी गाड़ी का है। और रिवर्स गियर जो इसका है थोड़ा सा चेंजिंग दिया है, इसको उठा करके ये लगेगा आपका रिवर्स, देन ये तो बाहर से लगाया गया है, आप बैक कर सकते हैं। सब चीज़ मस्त है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना भी न्यू गाड़ी अगर मेरे पास आएगा तो आप लोग के लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दे। ओके बाय, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं।